मोदी चुनाव उपेंद्र कुशवाहा मेरा साथी है ना जी। अच्छा। वो जीतेगा तो किसका माँ हाथ मजबूत होगा? अच्छा। मोदी का मजबूत होगा, मोदी का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। अभी हम बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी अनसोन प्रखंड के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में है और आज यहाँ पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशाल जनसभा का संबोधन करना था और यहाँ पर आगमन हुआ। लोगों ने उनके भाषण को सुना, उसके बाद जो है उनका भाषण अभी कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है। 20-25 मिनट हो गया है, लेकिन अभी जो है लोगों का देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। लोग बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, लाखों के संख्या में लोग यहाँ पर आए थे और काफ़ी जो है विशाल यहाँ पर भीड़ था और नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दूसरा संबोधन था। पहले पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विक्रम प्रखंड में हुआ, उसके बाद बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी अनसोन प्रखंड के सुअर मैदान में हवाई अड्डा मैदान में हुआ। तीसरा जो प्रधानमंत्री के संबोधन करना है, जनसभा का संबोधन करना है, वह बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बक्सर में करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो है कितना हुजूम है, लोगों के जो है कतारें ख़त्म नहीं हो रही है, लोग आ ही रहे, निकल ही रहे हैं। लोगों से हम कुछ बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ जी? मनीष कुमार पांडे। कहाँ से हैं पांडे जी? हम आए हैं करहगर से। सुन लिए भाषण? हाँ सुन लिए। क्या माहौल है करहगर में? करहगर में तो बीजेपी है सब। बीजेपी? जी जी। किसका वोट दिया? सुरेश राम के। मोदी जी के नाम पर खाली? अच्छा, मोदी जी के नाम पर सुरेश राम कौन है जी? हाँ हाँ, अरे तो मोदी जी के लेकर दे रहे हैं हम लोग। सुरेश राम जो हमारे सांसद है, ये तो काराकाट है। चलिए ठीक है। और देखिए यहाँ पर कहाँ से है? काराकाट गो विधानसभा से। बताइए, मोदी जी का भाषण सुन लिए? एकदम चकाचक सुने। क्या क्या बोले? बहुत सारा देश के मुद्दे गिना दिए। हाँ, एकदम रोजगार है, ये है, वो है, चोर डकैत को वोट नहीं करना है। किसको वोट करना है? वोट मोदी को करना है, गैस सिलेंडर पर करना है। अच्छा। एनडीए प्रत्याशी को करना है। देखिए देखिए काफी लोग यहाँ पर है। ये देखिए आप देख सकते हैं लोग। हाँ बोलिए। 100 चूहा मिलकर सरकार चलाएगा। हाँ। उसे अच्छा ना है कि एक शेर चलाएगा। अच्छा। हाँ, आपको पता है कि एनडीए गठबंधन में कितने लोग हैं? गठबंधन का बॉस को पता है ना कि बॉस हमारा कौन है? प्रधानमंत्री कैंडिडेट कितना है उसमें? प्रधानमंत्री कैंडिडेट विपक्ष में अखिलेश यादव बोलते हैं कि हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा। के रहेगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाना है सर, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं ना बनाना है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तो सबसे ज्यादा संख्या है कौन पार्टी से जुड़े हुए हैं? कौन गठबंधन जुड़े हुए? एनडीए पर गठबंधन में जुड़ा हुआ, एनडीए में। पार्टी से नहीं ना होता है सर, के नाम पर चुनाव हो रहा है सर, प्रधानमंत्री के नाम हो रहा है सर। वो प्रधानमंत्री है कि विदेश का भी लोग गोर छू के प्रणाम कर रहे हैं, वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। यूक्रेन से जो चल रहा है लड़ाई युद्ध, उसमें हमारा खाली झंडा काम कर रहा है, वैसा प्रधानमंत्री हम लोग चुनेंगे। चुनेंगे बहु झंडू हम लोग चुने। हम रोहतास से आए हैं। अभी क्या बोले कि बहु झंडू लोग चुने? अरे भैया, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। इधर इनको दिखाइए तो कैमरा। हाँ, जगह जाइए इधर, इनको कैप्चर कीजिए। अरे भाई हटिए ना आगे से। हाँ, क्या बोल रहे थे अभी आप? अभी हम बोले ऐसा विपक्ष में कोई नेता नहीं जो हमारा देश के झंडा लेकर जो आप ये बोले थे कि बहुत झंडू लोग को चुने। अरे पहले बहुत हम लोग चुने हैं झंडू मंडू, जो बैठ के सुनिए। जवाहरलाल नेहरू झंडू हो गए? अरे जवाहरलाल नेहरू का बात करो, वो भी क्या थे? वो देश को बंटवा दिए, अपना कुर्सी के लिए हमारा पाकिस्तान बनवा दिए। वो ऐसा लोग क्या करेंगे? ऐसा लोग नहीं हम लोग। देश के आजादी में कौन लड़ाई लड़ा? देश की आजादी में हमारा सब लड़ा। हमारा पूर्वज कैसा था? देश को बंटवा, जो राम के लिए जो हिंदू धर्म बचा के रखा, जो आजादी के बाद भी आज अंग्रेजों से कौन लड़े? अंग्रेजी सब हमारे हिंदुस्तान के लड़ा, टोटल लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़े, लेकिन बंटवारा किसने किया? अपना कुर्सी के लालच में किसने किया? अपना लालच में इंडिया को धर्मशाला बना के छोड़ते हैं। उस समय के क्या माहौल था आप देख रहे थे? अरे हम उस समय जन्म हुआ था तो हम लोग क्या देखेंगे, आज का देख रहे हैं। सुनिए भाई, पढ़े तो होंगे? पहले थे, पढ़े तो होंगे ना कि क्या हुआ? हाँ, पहले हुआ था।
पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाया गया ना, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया जब दोनों देश एक जात आजाद। 10 साल मोदी जी का शासन रहा तो 10 साल में बन जाना चाहिए था हिंदू राष्ट्र। एकदम बनेगा, आने वाला दिन में सर एकदम बनेगा। अभी तो गड्डी शुरू हुई है, अभी क्या एक अभी किसका, अभी किसका राज है, अभी किसका राज है, अभी अभी राज है, अभी किसका राज है, बीजेपी का राज है, बीजेपी का राज है, अभी भी तो हिंदू राज है, हिंदू राष्ट्र है ना, होगा। चिल्लाइए नहीं, बारी बारी बोलिए। तो फिर क्यों बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, कितना उम्र हो रहा है, हमारा होगा उम्र कितना, फर्स्ट बार वोट डालने जा रहे हैं, 18 साल हो गया है, पहले समझो चीजों को समझो। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, योगी जी अखंड, भैया तो अभी भी तो मोदी जी के अभी भी तो प्रधानमंत्री वही है, 2047 तक अभी बीजेपी सुनिए 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 एक मिनट सुनिए पहले सिर्फ सुनिए, हम लोग विकास पर वोट करते हैं, क्या मोदी ने क्या नहीं दिया है जो बात सही, हाँ रोड ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, सुनिए पहले एक बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो अभी किसका राज है, अभी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, जिनका भाषण सुन के अभी आ रहे हैं, तो वही है ना, रुकिए ना भैया, अभी वही है ना, तो अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है, क्या बनाना है, 100% संवैधानिक तौर पर अभी हिंदू, बाकी लोग और देश में कोई नहीं रह रहा है, बाकी तो 56 और देश में, सुनिए ना रुकिए सुनिए पहले, और देश में कोई नहीं है, बहुत नहीं है, इस्लामिक देश नहीं है, मुस्लिम नहीं है, जैसे इस्लामिक देश में आजादी वैसी हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र मुसलमान वैसी रहेगा। अरे भैया तो वही तो बोल रहे हैं कि और भी लोग है ना यहाँ पर, और भी धर्म के लोग रह रहे हैं ना, भारत पहले हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष कहा किया गया, बताइए है ना, धर्म निरपेक्ष कहा किया गया, पाकिस्तान को इस्लामिक देश भाई, बोलो ना, इंडिया पाकिस्तान दो देश को अलग किया गया एक साथ ना, तो पाकिस्तान को इस्लामिक देश क्यों बनाया गया, आप बनाया गया तो मुसलमानों को फिर भारत से क्यों नहीं पाकिस्तान में, गिरी युद्ध नहीं होगा, जैसे 56 इस्लामिक देश है एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और बहुत जल्द बनेगा, कौन रोका है बनाने के लिए, अभी 10 साल तो मोदी जी रहेगा और बनेगा, इलाहाबाद का नाम चेंज करके ठीक है, फिर हम लोग प्रयागराज प्रोग्रेस, एक मिनट प्रोग्रेस है, ये जो है प्रोग्रेस है ठीक है, जिसे इलाहाबाद का नाम, हम लोग 300 वर्ष पहले इलाहाबाद उसका नाम था ठीक है, जो कि उस बदल दिया गया, फिर से उसको नाम आपका प्रयागराज किया गया, जो भी रखे एक कदम, आप ग्रेजुएशन करते हैं तो एक भाई एक क्लास पढ़ते हैं, उसी तरह एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, धीरे धीरे सुनिए पहले मेरा बात सुनिए, और भी लोग इसमें, और भी इस धर्म में लोग, इस देश में और भी धर्म के लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, बोलने से हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि हम हमारे भारत धर्म निरपेक्षता वाला भारत देश है ना, दुनिया में मेरा कहना सही है, आप ठीक कह रहे हैं कि सब लोग धर्म है, लेकिन देखिए जब हमारे देश को जब आज़ादी मिली, इंडिया पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान में जब आज़ादी हुआ तो वहाँ कै परसेंट हिंदू था, पहले मेरे जवाब दीजिए, वहाँ पाकिस्तान में हिंदू कै परसेंट था, आज कितना परसेंट रह गया, और इंडिया की बात लीजिए तो इंडिया में मुस्लिम कै परसेंट था, आज कितना परसेंट हो गया, इससे क्या दिक्कत है आपको, दिक्कत क्या, फिर अगर यहाँ मुस्लिम बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर मांग करेंगे कि हमको एक मुस्लिम राष्ट्र दो, हमको एक मुस्लिम राष्ट्र दो, तो देश को तोड़ना है हमको, संविधान बना हुआ था जब देश आजाद हो रहा था उस समय संविधान था, संविधान अब लिखा गया तो कौन मांग रहा है, इतने साल हो गए ना, हमको इसका जवाब दिया जाए, पाकिस्तान में हिंदू किस तरह रह रहा है, उसका कोई इज्जत है, धीरे धीरे होता है कोई काम, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे सब सेटल होगा, जो जो इस देश में दिक्कत हो रहा है वो सब पूरा होगा, मोदी रहना चाहिए, हमारा मोदी रहेगा, हम डेयरी ओन सोन से है, किसको वोट देना, हम मोदी को देंगे, बीच यहाँ चुनाव, मोदी चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा मेरा साथी है ना जी, वो जीतेगा तो किसका हाथ मजबूत होगा, मोदी का मजबूत होगा, मोदी का, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए तो अभी हम सुवरा हवाई अड्डा में थे, देखिए यहाँ पर आइए, अभी आ जाइए, आप उधर क्यों है, देखिए हेलीकॉप्टर जो है अब उड़ने वाली है, और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर जो है अब देखिए उड़ रहा है, और यहाँ से जो है अब निकल रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए, यानी कि तीसरा जनसभा का संबोधन करने के लिए, ये काराकाट में अभी मैं मौजूद था, और काराकाट में आपको दिखला रहा था, ये दूसरा हेलीकॉप्टर में वो खुद है, पहला हेलीकॉप्टर में और भी कोई थे, दूसरा हेलीकॉप्टर में नरेंद्र मोदी, देखिए अभी
विकास में जो है पूरे हैं, और उसके बाद जो है जाएंगे बक्सर में जनसभा को संबोधित करने के लिए। आप लोग थे, लोगों से बातचीत किया, इन लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? और क्या हिंदू राष्ट्र बन हमारा देश नहीं है? हमारा देश अगर धर्म निरपेक्षता वाला देश है तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर सभी धर्मों को पालन करने की आज़ादी है तो क्या दिक्कत है? हमारे देश में सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, सबको एक समान जीने का अधिकार है। एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।